यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। जब ये गाड़ी मैंने पहली बार देखी थी या इसके अनाउंसमेंट सुनी थी, मुझे लगा था महिंद्रा फाड़ देगा इस गाड़ी के साथ। बट सीन ये है, ये टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का कॉम्पिटिशन है XUV 4XO। ये उससे बड़ी है, ज़्यादा बड़ा बूट है, सेम प्राइस रेंज में है, सेम क्लेम्ड रेंज ऑफ ड्राइविंग है, वो फिर भी उतनी नहीं बिकती है। कई महीनों में नेक्सॉन ईवी मैक्स इससे दुगनी, इससे तिगनी बिक जाती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाई इज दैट हैपनिंग? गाड़ी ठीक है, बिकती क्यों नहीं है? पैसा तेरा बाप देगा। नेक्सॉन ईवी मैक्स ये गाड़ी एक्चुअली लंबी है, बड़ी है, व्हील बेस 2600 मिलीमीटर का है। वो क्यों किया गया है? महिंद्रा ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यूज की है। ये गाड़ी में जो है इलेक्ट्रिक्स में बेसिकली आपको वो टैक्स ब्रैकेट नहीं आता है कि सब 4 मीटर गाड़ी है तो यू नो टैक्स कम लगेगा तो सस्ती हो जाएगी गाड़ी, नहीं होती है। इसलिए इस गाड़ी को थोड़ा लंबा कर दिया। पुरानी क्रेटा कितनी 4200 मिलीमीटर्स के करीब आती थी, वैसे ये बड़ी हो गई है। बूट भी बड़ा हो गया है, 378 लीटर्स का डीप बूट, क्योंकि लोडिंग लिप काफ़ी है और इसमें लेग रूम भी काफ़ी है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट फॉर आवरसेल्फ। लेग रूम ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, माई नीज़ आर टचिंग, बट थोड़ा सा नीज़ अप पोजिशन है जो हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता है बैटरी के प्लेसमेंट की वजह से जो फ्लोर में होती है। ऑल्सो आई सी देयर आर नो बैक पॉकेट्स हियर। यहाँ पे ऐसी एक ग्रिल जैसी बनाई हुई है जिसमें चीज़ें फंस सकती हैं। व्हाट इफ आई हैड टू कीप माई फोन इन इट? I don't see any rare AC vents over here. Seat का bench थोड़ा सा flat है, बहुत ज़्यादा contoured नहीं है। तो flat होने के actually फ़ायदे होते हैं, जब तीन लोगों को बिठाना होता है flat bench मिलता है तो वो तीन लोग बैठ सकते हैं, मतलब seats contoured होती हैं। Okay, headroom तो बैठ सकते हैं। बहुत wide नहीं है ये तीन grown-ups के लिए, of course grown-up मेरे जितना grown-up तो नहीं होना चाहिए, that's not ideal. But it's not a bad back seat. Like I'm gonna miss रेयर एसी वेंट्स ओवर हियर अगर मैं साइड्स में बैठा हूँगा तो। लेट्स लुक एट द बूट। अब जो फीचर्स सारे मैंने बताए बैक सीट में मिसिंग है वो सब नेक्सॉन ईवी मैक्स में है। देर इन अ सिमिलर प्राइस रेंज और वो है। लाइक आई एम टेलिंग अबाउट दिस बूट, आइए इस कुएं में से पानी निकालें। कितना अंदर तक है? मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, पूरा अंदर तक। ये बड़ा बूट है, बहुत डीप बूट है। ये तो बहुत गहरा है। आई हैव दिस स्लाइटली कॉन्ट्ररी ओपिनियन, लोगों को लोडिंग लिप पसंद नहीं होता है गाड़ियों में, बट मुझे उससे कोई इशू नहीं है। देखिए क्या होता है, कई बार लोडिंग लिप रखा जाता है ताकि जो रेयर क्रैश टेस्ट है उसमें गाड़ी सेफ निकले और जेन्युइनली गाड़ी सेफर हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आप कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो गिर सकती है वो यहाँ लॉक हो जाती है तो वो ज़्यादा ऐसे हिलती डुलती नहीं है। तीसरी चीज़, जैसे ही आप बूट खोलेंगे वो चीज़ आप पे गिरेगी नहीं, तो मुझे वो अच्छा लगता है। अब सामान उठा के रखना ही है, थोड़ा सा और उठा लो, सो यू नो यू टू पुट योर बैक इनटू इट एंड ऑल। आई डोंट नो व्हाई पीपल कंप्लेन अबाउट दैट। आई हैव अ डिफरिंग ओपिनियन, मे बी योर्स इज डिफरेंट। इसमें और नेक्सॉन ईवी मैक्स में बड़े टक्कर एकदम कड़ी है, क्योंकि इन दोनों की क्लेम रेंज जो है वो 450-456 में आती है और मैंने नेक्सॉन ईवी मैक्स को मुंबई पुणे मुंबई किया हुआ है। आप आराम से चलाओ तो 280 तक खींच सकते हो, बहुत आराम से चलाओ तो 320 तक भी खींच सकते हो इन रियल लाइफ, बट 250 रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करोगे तो सुखी रहोगे। एंड 250 इज़ गुड बिकॉज 250 इज़ मेरे एक हफ्ते का रनिंग। 7.2 किलोवाट का इसमें चार्जर आता है, ऑलमोस्ट 40 किलोवाट आर की बैटरी आती है, ऑलमोस्ट 40, और जो 7.2 किलोवाट की चार्जिंग है वो इसे 10-100 ले सकती है तकरीबन 5 hours 40 minutes में। 20 लाख और 21 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग होती है मुंबई में ऑन रोड। और अगर आप लेने जाएंगे, इसका एक लोअर वेरिएंट आता है जो नेक्सॉन ईवी प्राइम वगैरह से कम्पीट करता है, वो 17 लाख का है, उसकी क्लेम माइलेज अबाउट 350 है और उसमें 3.3 वाट का चार्जिंग आती है। और इसी में थोड़े से अगर फीचर्स मिसिंग है तो उसमें थोड़े से और कम हो जाते हैं, जहाँ पर ये नेक्सॉन ईवी मैक्स से मार खाने लगती है। ओके, ये किसी ट्रक से दिया है महिंद्रा ने। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप वो ऑटो होल्ड और यू नो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह आप एक्सपेक्ट करते हो, इसमें नहीं है। हाँ, गियर लीवर इसका बहुत स्मार्ट है, लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम एन एक्सपेंसिव कार। इस गियर लीवर की तरह ही पूरे इंटीरियर में आपको ये कॉपर के टचेस दिखाई देते हैं जो एक्सटीरियर में भी है। वो इसीलिए है कि महिंद्रा बोलते हैं जब कॉपर की वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो कॉपर जिस ब्रॉन्जिश टच हमें देना चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लू हेयर, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक हेयर। नेक्सॉन ईवी में आपको ज़्यादा बेज और वाइट और यू नो ऐसे कलर्स दिखते हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों को स्पोर्टी लगेगा क्योंकि ए पिलर्स वाइट है, तो ये ज़रा डिंजी नहीं लगता है कि बहुत डार्क डार्क हो गया। बट ओवरऑल जो आपका वेस्ट लेंथ है गाड़ी का, वहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड कॉपर एंड ब्लू है। This is a part that I don't actually like so much. जो इसका MID है ये थोड़ा सा अब एज लगने लगा है। इनफैक्ट इसके बीच के जो ये ग्राफिक्स हैं ये तो बहुत ही मतलब पुराने लगने लग गए हैं। ऑल्सो स्पीडो टैको, ये बैटरी मीटर
कोई भी डिजिटल नहीं है, वो होना चाहिए था। अब देखिए इसका जो म्यूजिक इंफरटेनमेंट सिस्टम है यार, बहुत ही बाबा आदम का लगता है ये। थार में भी ये वाला, थार में वो अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा रगेड है, इसमें और स्मूदर और बेहतर होना चाहिए था। द टच इंटरफेस शुड हैव बीन यू नो अ लॉट बेटर। आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। बिल्कुल थार वाला है, चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बट यू नीड अ स्लिकर सिस्टम। और कंपटीशन बहुत स्लिक वाला देने लग गया, इनकी दूसरी गाड़ियों में खुद भी है। अब टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में थोड़ा बेहतर वाला आ गया, पहले उनका भी नहीं होता था इतना अच्छा, पर इससे बेहतर था। ऑटो हेडलैम्प्स हैं, ऑटो वाइपर्स हैं, सीट्स परफोरेटेड है लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। मुझे यहाँ मोबाइल रखने की एक चार्जिंग ग्रिप दिख रही है, लेकिन मेरे यार फ़ोन भी उसमें फिट नहीं हो रहा। एनीवे, वायरलेस चार्जर तो इसमें है ही नहीं, तो वो भी मिसिंग है। नो ट्रैक्शन कंट्रोल, नो हिल कंट्रोल, नो ESC। दीज आर ग्लेयरिंग मिसेस। 20 लाख की गाड़ी है, इसमें कैसे नहीं हो गया। ये सब नेक्सॉन पे है, इसलिए वो बिकती है। मुझे ऐसा लग रहा है चलाते वक्त इसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज इसमें जो पावर मोड्स है वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। अब इस गाड़ी में आती है NMC बैटरी, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में आती है जो लिथियम आयन फॉस्फेट वाली टेक्नोलॉजी, वो LFP बैटरी। इस गाड़ी में लोग कहते हैं कि फास्ट चार्ज होती है और पिकअप भी ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जो LFP बैटरीज होती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा बड़ी होती है। और इस वक्त इंडियन मार्केट में इनकी लाइफ कैसी होगी, बैटरी यू नो कैसा फेयर करेगी ओवर द ईयर्स, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पर टाटा को हल्का सा एडवांटेज मिलता है। इसके ऊपर मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस डर से भी लोग थोड़ा सा नेक्सॉन ईवी मैक्स की तरफ झुक रहे हैं। चलिए गाड़ी को चला के देखते हैं, जो प्रॉमिस्ड है NMC बैटरी में क्या वैसा पिकअप मिलता है। XUV400 का ड्राइव रिव्यू, जैसे ही गाड़ी में बैठा हूँ, फीचर्स मिसिंग है, डिज़ाइन बड़ा बोरिंग है, सब समझ में आ रहा है। एक चीज़ जो ज़्यादा समझ में आ रही है कि फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको कैंकों आवाज़ आएगी तो पीछे हमने कुछ सामान रखा है जो कैंकों कर रहा है, जो मेरा OCD मैक्स कर रहा है बिल्कुल। ऑल्सो वन थिंग यू नोटिस, क्रीप हल्का सा है, और चालू करते ही गाड़ी आपको इसकी जो सॉफ्ट राइड क्वालिटी है, जिसको लोग टू सॉफ्ट क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, वो इतनी अच्छी लगने लगती है कि गाड़ी इनिशियल जो मोड है ना फन मोड में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट Hyundai जैसे लगने लगती है। एंड दैट इज़ अ बिग विन फॉर महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा के लिए वो बना पाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेकंड फन मोड में गाड़ी बहुत ही डेड लगती है, जो उसके 3 ड्राइविंग मोड्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टली अलग है एक दूसरे से, ठीक है। सो इट्स 148 हॉर्स पावर, 315 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी में वो 3 जो ड्राइविंग मोड्स अलग अलग होते हैं वो इमीडिएट मालूम पड़ते हैं। अब मैं जो है ड्राइव मोड चेंज करने वाला हूँ, फियरलेस में मैं गया हूँ, गाड़ी इच्छाधारी नागिन ब्रो, सडनली एकदम पलटी रूप, रेंज फट से ड्रॉप हो गया, गाड़ी का स्टेयरिंग टाइट हो गया। सो ओवरऑल मुझे लगता है टाटा का स्टेयरिंग बेहतर है, क्योंकि आप हर बार जो है सबसे स्पोर्टी मोड में नहीं चलाते हो, लेकिन इसमें स्टेयरिंग के इतनी फीडबैक अलग है अलग अलग मोड्स में कि वो इरिटेटिंग हो जाता है कि फन मोड में जब मेरे को बैटरी बचानी है, रेंज बढ़ानी है, तो मेरे को स्टेयरिंग फीडबैक इतना हल्का क्यों मिल रहा है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ Hyundai। सो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा फियरलेस पे जो है इसको गाड़ी को भगा के देखना चाहता हूँ, फास्ट में थोड़ा सा कितना मस्त है ये यार, फास्ट में एकदम से स्टीयरिंग बदल जाता है ये गाड़ी के साथ, इट ग्रोज ऑन यू। ये गाड़ी के साथ जितना वक्त बिताते हो ना, सडनली इट स्टार्ट सरप्राइजिंग यू। हाँ, मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मम्मी के पास जब रिश्ते की बात करने जाओगे तो मैं ही पसंद आऊँगी। गाड़ी का टर्निंग रेडियस बिकॉज ऑफ द लाइटर स्टीयरिंग, इट फील्स नाइस, वो एक उंगली से घूमने वाला सीन है इसमें। ब्रेक्स आर स्लो टू रिस्पॉन्ड, बट व्हेन दे रिस्पॉन्ड दे जस्ट गो। द कार, व्हेन यू टेल द कार टू गो, इट गोज। तो मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोला था, जब मैं उन्हें बोला था कि मुझे फन टू ड्राइव कार चाहिए, उन्होंने बोला ये गाड़ी ले, फन मोड में कभी मत चलाना, फास्ट और फेयरलेस में ही चलाना, तो तेरे को मज़ा आएगा, बस ये गाड़ी ले ले। मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे उसके लुक्स में इतना प्रॉमिस नहीं था। आज भी अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हो तो शायद मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें जो फील गुड फीचर्स मिसिंग है वो मिसिंग है। दिस नॉट अ लॉट ऑफ बॉडी रोल, माइंड यू, पीछे हल्का सा फील होगा, बट इज नॉट अ लॉट ऑफ बॉडी रोल। यस, द सॉफ्टर सस्पेंशन विल बी अ लिटिल, थोड़ा विगल रूम उसमें होता है ना। ये स्क्रीन मुझे देखने में मज़ा आ रहा है, ना उतनी टैक्टाइल टू रिस्पॉन्ड है, तो थोड़ा सा आई थिंक वो बेहतर हो सकता था। महिंद्रा कुड हैव डन सो मच बेटर विद दैट, दैट्स अ गुड थिंग। इसके फिर जो फेस लिफ्ट आएगा, बिकॉज ये फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, जो फेस लिफ्ट आएगा उसमें कितना कुछ ये कर सकते हैं, जो मिसिंग फीचर्स है वो ऐड कर दें। ये फन वाला ड्राइव मोड ही निकाल दो, फास्ट और फियरलेस ही रखो, पूरा उसको फास्ट एंड फ्यूरियस ही बना दो, ये गाड़ी और अच्छी लगेगी। दे रियली नीड टू वर्क ऑन द ग्राफिक्स एक्सेट्रा ऑफ दिस कार। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट
वो लाइक आई डोंट वांट लाइक अ फीचर इट्स कार बिकॉज़ आई नेवर इवन यूज इट. तो मुझे एक अच्छी चलने वाली गाड़ी दे भाई, निकल जाएगा. सिंगल पेडल ड्राइविंग इसकी अच्छी नहीं है क्योंकि वो टाटा का जो रीजन मोड्स है वो बहुत बेहतर कैलिब्रेटेड है, जो अलग अलग उनके रीजन मोड्स आते हैं और रीजनरेशन भी उसमें बेहतर होता है ऐसे मुझे लगता है. ये गाड़ी मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ घुमा घुमा के, मुझे इतनी जल्दी ऐसे रेंज धन 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 करके गिरी वो नहीं है. सो दैट्स वेयर द महिंद्रा टेक्नोलॉजी कम्स इन, दैट्स वेयर द फॉर्मूला ई इंजीनियर्स कम इन एंड दैट आई कैन सी. सो सम पीपल ना वो जो बहुत काम के लोग होते हैं बहुत प्रिटी नहीं होते मेरी तरह, वो ये गाड़ी है दैट आई कैन से एंड आई कैन सी. Among the very things that are missing on this car, यहाँ पर जो है स्टार्ट स्टॉप का बटन ऐसे जगह प्लेस है जो स्टेयरिंग के पीछे आपको दिखाई भी नहीं देता है. तो योर फर्स्ट रिएक्शन इज टू सीट ऑन द राइट साइड बट इट्स ऑन द लेफ्ट साइड. और क्रूज कंट्रोल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस पे. वॉल्यूम कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, टेलीफोनी के कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, अलग मोड्स दिखाई दे रहे हैं. हाउ कैन इट बी मिसिंग इन अ कार ऑफ दिस मनी? दैट्स जस्ट रॉन्ग. एक ही चार्जर है इधर, वो यूएसबी ए है, यूएसबी सी भी नहीं है और पीछे की सीट्स में तो चार्जिंग पॉइंट्स भी नहीं है. दिस इज लाइक रियली 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 बैड. मतलब गाड़ी चलाने में इतनी मस्त है और फिर जब ये सब मिस होता है तो तो अगर आपको एक सिंपल गाड़ी चाहिए जो भागती है, जिसमें स्पेस ठीक ठाक है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और फीचर्स नहीं है, जो भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं. टाटा में यार कुछ फील गुड फैक्टर्स आ जाते हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स में, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स हो गए, रेयर एसी हो गया, कुछ यूजेबल फीचर्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ईएसी हो गया, हिल असिस्ट वगैरह हो गया, वो इस गाड़ी में मिसिंग है और 20 लाख की गाड़ी में नहीं होने चाहिए. बट जो उसमें मिसिंग है वो इसमें है. ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, सिंपल बट वेल फिनिश्ड गाड़ी है और हाईएस्ट ड्राइविंग मोड में ये भागती है फियरलेस में. वरना मुझे समझ में आ रहा है कि ये कहाँ नेक्सॉन ईवी मैक्स में पीछे पड़ जाती है.